जय यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अली। शुरू करते हैं दिन भर की खबर। जयनगर थाना क्षेत्र के ब्राह्मण टोला में अज्ञात हमलावर के द्वारा गोलीबारी में किराना व्यवसायी की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। पुलिस के लूंज पुंज व्यवस्था के कारण जयनगर थाना क्षेत्र इन दिनों अपराधियों का सेफ जोन बन गया है। यही कारण है कि अपराधियों ने पिछले दो माह में गोलीबारी के दो बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। बीती रात थाना क्षेत्र के ब्राह्मण टोल में एक अज्ञात हमलावर की गोली के शिकार हुए किराना व्यवसायी। बता दें कि रोज की तरह मंगलवार की रात्रि जयनगर बस्ती पंचायत के ब्राह्मण टोल निवासी 60 वर्षीय राम विलास कपड़ी घर जा रहे थे। उसी क्रम में हथियार से लैस हमलावर ने उस पर गोली चलाई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों के सहयोग से इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आक्रोश परिजन व ग्रामीणों ने हमलावर की गिरफ्तारी को लेकर शहीद चौक पर लाश रखकर सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काफी मुशक्कत के बाद मधुबनी ASP AK पांडे, जयनगर SDO राघवेंदु सिंह के आश्वासन के बाद जाम समाप्त कराया गया। इधर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। बीती रात थाना क्षेत्र के ब्राह्मण टोल में एक अज्ञात हमलावर की गोली के शिकार हुए किराना व्यवसायी। बता दें कि रोज की तरह मंगलवार की रात्रि जयनगर बस्ती पंचायत के ब्राह्मण टोल निवासी 60 वर्षीय राम विलास कपड़ी घर जा रहे थे। उसी क्रम में हथियार से लैस हमलावर ने उस पर गोली चलाई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों के सहयोग से इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आक्रोश परिजन व ग्रामीणों ने हमलावर की गिरफ्तारी को लेकर शहीद चौक पर लाश रखकर सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काफी मुशक्कत के बाद मधुबनी ASP AK पांडे, जयनगर SDO राघवेंदु सिंह के आश्वासन के बाद जाम समाप्त कराया गया। इधर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। अभी आप लोग जाम किए हुए सड़क, कारण क्या? ये हमारे जाम के बाद दादाजी के जो है गोली को मार दिया गया, जो हमारे दादाजी को गोली मार दिया है और प्रशासन सोया हुआ है। हमें प्रशासन से ये चाहिए कि 12 घंटा के अंदर हमें न्याय चाहिए। ये तो जयनगर पूरे धरना पर बैठे रहेगी, पूरे जयनगर, और हमें प्रशासन से 12 घंटा के अंदर चाहिए। घटना कब की? घटना लगभग 8:30 बजे की घटना है, और थाना से आधा किलोमीटर की दूरी नहीं है। फिर भी अभी तक 8 बजे रात से लेके अभी 6 बज रहा है, 10 घंटा के अंदर में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वही न्यूज अभी हम लोगों नहीं मिला। किसी से नहीं बोला? हमारे चाचा जी हुए हैं और रात के 8 बजे के चौक से निकले, थाना से 10 कदम आगे ही जाते ही एक अनजान आदमी आया, गोली मार दिया गया और थाना होके ही भागा। पता नहीं अभी तक चला था वो कहाँ अपराधी खोया हुआ। हम लोग रात के 9 बजे से यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, कोई रिपोर्ट नहीं लेने के लिए आ रहा हम लोग के यहाँ कि क्या है, बैठे हैं क्यों बैठे हैं, कि हारने हम लोग को अब जाने का हर मोर्चा को जाम करना पड़ेगा।
प्रशासन इसका नहीं लेगा तो हम हर मोर्चा को जाम कर देंगे, हम मजार बंदी करवा देंगे।